अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर आपको मुंबई कांग्रेस के दफ्तर के बाहर की दिखाते हैं। सामने आप देखिए मुंबई कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो दफ्तर के बाहर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक है और केजरीवाल के ऊपर इस तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री रहते हुए कम से कम नहीं की जानी चाहिए थी और जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वो इससे सहमत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर लगातार नारेबाजी, सामने आप देखिए यहाँ पर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी जो संस्थाएं उनके दुरुपयोग करने के बैनर पोस्टर लगाई गई है। सामने एक और आपको पोस्टर दिखाते हैं जिसमें लिखा गया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, केजरीवाल की गिरफ्तारी कल हुई है, आज आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन ये वही केजरीवाल हैं जिनके खिलाफ खुद कांग्रेस भी शराब घोटाला होने का आरोप लगाती रही थी। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हमने आरोप लगाए थे उसके बाद जो आप पार्टी और केजरीवाल जी ने जो हमारे सामने पेपर वर्क डाला उससे हमें ये पूरी तरह से महसूस हो गया कि इसके अंदर ये पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज हम केजरीवाल जी के जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ है, क्योंकि ये पूरी तरह से चुनावी मामला है। बीजेपी मोदी सरकार पूरी तरह से डर चुकी है, उनके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी है और उसी लिए इंडिया घटक पक्ष के लोगों के ऊपर इस तरीके का ईडी को सामने करके ये पूरी तरह से उनके ऊपर गिरफ्तारी जो कर रही है उसका मतलब यह है कि भाजपा और मोदी जी पूरी तरह से डर चुके हैं। लेकिन कल कोर्ट में जब गए थे केजरीवाल, वहां पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने गिरफ्तारी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई, चूंकि स्टे चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहता था कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि प्रोटेक्शन नहीं दे सकते और उसके बाद ही देर रात को गिरफ्तारी हुई। कोर्ट के सामने कोर्ट ने पूछा जरूर था कि गिरफ्तारी क्यों चाहते हैं, क्यों सम्मन कर रहे हैं। कुछ एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे गए थे, उसके बाद कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया। तो क्या कोर्ट का वो ऑब्जर्वेशन प्रोटेक्शन ना देना? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं खुद वकील हूँ, प्रोटेक्शन देने का जो ऑब्जर्वेशन रहता है उसमें पूरी तरह से ये जांच नहीं होती कि वो मामला क्या है, उसमें सुपरफेशियल बात होती है और इसीलिए कोर्ट ने कहा और केजरीवाल जी ने भी विड्रॉ कर दिया, क्योंकि नीचे के कोर्ट में पहले जाना पड़ेगा जामीन के लिए, उसके बाद ही ऊपर के कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये जो बात आप कह रहे हो वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोर्ट में जो केजरीवाल जी है पूरे तरह से पेपर लेके आएंगे, लेकिन ये बीजेपी का जो मामला है ये पूरी तरह से गलत है। पीएमएलए और इस तरीके के घोटालों को जांच करके ईडी के थ्रू पहले अरेस्ट कर लेना, विरोधियों की बदनामी करना, उनको बाहर आने से रोकना, और ये कभी किया है जब भी चुनाव चालू है। एग्जैक्टली, मेरा सवाल वही है, क्या चुनाव है लोकसभा आने वाले दिनों में, कांग्रेस और आपका गठबंधन भी है, तो ये चुनावी मामले के तौर पर इसे आप देखते हैं? 100% जो कि आज का मोर्चा भी है, और कल जैसे राहुल जी ने कहा कि जो देश के सारे इंस्टीट्यूशंस है वो मोदी और शाह की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये चुनाव जब एंड अभी आ गया है और ये समय पर ये कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, सिटिंग सीएम्स को अरेस्ट करना, पहले वो झारखंड की बात हो अब वो दिल्ली की बात हो, सीएम फिर ये बोलते हैं, ये सब करने के बाद ये बोलते हैं कि ये 400 पार जाएंगे, ये अंदर से डरे हुए हैं, इसीलिए सारी मुख्य विपक्षी पार्टियों को ये क्रिपल करना चाहते हैं, इनकी टांग तोड़ना चाहते हैं कि हम सही तरीके से चुनाव ना लड़ पाए, ये डर चुके हैं और ये प्योर चुनावी मुद्दा है। बीजेपी अंदर से डरी है कि वो हारने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं का कहना है कि बीजेपी दरअसल डरी हुई है, उसी लिए जो है गिरफ्तारियां हो रही तमाम नेताओं की। यहाँ पर आप देखिए कार्यकर्ता और नेता जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है अब दिल्ली से निकलकर मुंबई की सड़कों तक पहुंच गया है। कैमरा पर्सन सुभाषिस दाम के साथ राजीव सिंह, टीवी